बाजरे आलू की कचौड़ी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। तो आइए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी बाजरे का आटा लिया हुआ है, ये दो आलू मैश करके लिए है, यहाँ पे ग्रीन और लहसुन, ग्रीन चिली और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये सौंफ है, ये धनिया है, और ये जीरा है, ये अजवाइन है। ये अजवाइन डाल दिए और ये जीरा, हरा धनिया, सौंफ और ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और नमक डाल दिए। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऑयल ऐसे करके और इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब देखिए हमारा 20 मिनट हो गया है, आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको इसको इस तरह करेंगे, इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब इनको इस तरह बेल लेंगे। ऐसे भी फैला लो, ऐसे भी फट रहे हैं। ला दिखा रही कहीं, ये बेलना से, ये बेलन से बेल लें या इसे इसे कर लें, इसको फैल लें। ये देखिए हमारी बाजरे आलू की कचौड़ी बनकर रेडी है, और हमने इसके साथ में टमाटर और धनिया की चटनी भी पीसी है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। और मेरा चैनल, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ।